इटावा में देर रात मैनपुरी सांसद डिंपल यादव और सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव लाइन सफारी के पास बन रहे केदारेश्वर मंदिर पहुंचे, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बदायूं सीट से प्रत्याशी बनाए जाने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत करते हैं, आजमगढ़ से जल्द ही प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। राहुल गांधी की यात्रा में अखिलेश यादव के शामिल न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है, चुनाव को लेकर पूरी तैयारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा इस्तीफा देने पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि उनके विवेक की बात है, उनकी नाराजगी का मुझे पता ही नहीं चला, उन्होंने कई बार ऐसे निर्णय लिए हैं, उनका ये कोई नया निर्णय तो नहीं है, लोकदल से शुरुआत की थी, सभी जगह घूम आए, बचा हुआ जगह भी घूम आए। इटावा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। आपको बदायूं से प्रत्याशी बनाया गया, क्या कुछ कहेंगे पार्टी के लिए? अब राष्ट्रीय पार्टी ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत। आजमगढ़ से चाचा जी, क्या आजमगढ़ में? आजमगढ़ से भी प्रत्याशी जल्दी घोषित तो हो जाएगा। आपका जो ये विधानसभा, जो आप जसवंत नगर से विधायक है, सीट पर फिर आगे की क्या रणनीति रहेगी यहाँ पे? अब रणनीति आपको सब थोड़े बता देंगे, निर्णय लेगी पार्टी। कांग्रेस से गठबंधन भी लेंगे, अभी भी असमंजस बना हुआ है। चलिए जल्दी आ जाएगा तुम आपके सामने। अखिलेश जी यात्रा में शामिल होंगे? अखिलेश जी, राहुल गांधी की यात्रा जो चल रही है उसमें क्या शामिल होंगे? अब इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। आगे की किस तरह से तैयारी रहेगी चुनाव को लेकर आपकी? पूरी तैयारी है, पूरे प्रदेश में तैयारी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने अलग होके आई पार्टी बनाई है, भी इस्तीफा दे दिया है, स्वामी प्रसाद पार्टी बना ली है, वो अलग पार्टी के साथ मैदान में आने के लिए चर्चा कर रहे हैं। चलिए उनके विवेक की बात है। नाराजगी क्या रही है? नाराजगी पार्टी से अलग होना पड़ा है चुनाव के समय, ये तो मुझे पता ही नहीं चला, ये तो मुझे पता ही नहीं चला क्या नाराजगी है। चलिए उन्होंने निर्णय लिए हैं, कोई नया निर्णय तो है नहीं उनका। चल पहले लोकदल से शुरू किया इन्होंने, लोकदल के बाद बीएसपी में, बीएसपी के बाद सब जगह घूमाए, अब जो रहे बचा है वहाँ भी घूम लें। मुलाकात की है कौन किए? राजा भैया ने नरेश उत्तम से मुलाकात की है। अब उसके बारे में मुझे नहीं जानकारी, मुझे कोई जानकारी नहीं, मैं तो आज यहीं था पूरे दिन।